नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में वंदना राष्ट्रोही। बात करेंगे कंगाल पाकिस्तान की, जिसकी अकड़ अभी भी नहीं जा रही। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि IMF से जो कर्ज पहले लिया गया था, उसको लेकर IMF ने तमाम शर्तें पाकिस्तान के सामने रखी थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने अपनी ओर से शर्तें रखी हैं और कर्ज लेने में भी पाकिस्तान अकड़ दिखा रहा है। और पाकिस्तान का ये कहना है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम से वो किसी तरह का समझौता नहीं करेगा, यानी आतंक का साया बनकर पाकिस्तान में, क्योंकि आतंक को पनाह दी जाती है और पूरे राष्ट्र में, पूरे ग्लोब में लगातार पाकिस्तान को घेरा जाता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकवादियों को पालता पोसता है। और ये बात अब पाकिस्तान की आवाम भी समझ रही है और पाकिस्तान की आवाम भी इस बात को बखूबी बोल रही है सड़क पर, क्योंकि लोगों को खाने पीने की चीज़ें भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, पाकिस्तान के बहुत बुरे इस वक्त हालात हो गए हैं। श्रीलंका जैसी स्थिति पाकिस्तान की बन गई है, लेकिन पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो अभी भी अय्याशी कर रहे हैं। ये वहाँ की आवाम सड़कों पर बोल रही है। और क्योंकि इमरान खान को लेकर भी इस वक्त ज़बरदस्त हंगामा देखा जा रहा है, इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर जो उनके सपोर्टर्स हैं वो सामने आकर खड़े हो गए हैं, डटकर मुकाबला कर रहे हैं, चट्टान की तरह वो इमरान खान का सपोर्ट कर रहे हैं और गिरफ्तारी नहीं होने दे रहे। ऐसे में सवाल यहाँ पर यह उठता है कि हुक्मरान इसके लिए कितने ज़िम्मेदार हैं? पाकिस्तान क्यों अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है? आवाम की चिंता करने के बजाय पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम से ज़्यादा दिलचस्पी क्यों है? क्योंकि अगर लोग ही नहीं बचेंगे, उनके पास खाने पीने की चीज़ें ही नहीं होंगी, तो न्यूक्लियर पावर का आप क्या करेंगे? अभी भी आपको लगता है कि दुनिया आपको बहुत शक्तिशाली देश मानेगी अगर आप न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी तरह भी इस पर पीछे नहीं हटते हैं? तो पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि श्रीलंका में जैसे हालात हुए, जनता ने श्रीलंका में भी सरकार को जवाब दिया, वैसे ही हालात पाकिस्तान में भी बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान के सपोर्ट में जितने भी लोग आ रहे हैं वो इस वक्त मौजूदा सरकार शहबाज शरीफ की सरकार से बेहद नाराज़ हैं, और यही वजह है कि शहबाज शरीफ को लगातार लोग ललकार भी रहे हैं। उनको ये कहा जा रहा है कि आपकी नीतियाँ पाकिस्तान की इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं। अब पाकिस्तान किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को डील करेगा, आगे कैसे इससे उभर पाएगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और पूरी दुनिया इसको लेकर चिंतित हो रही है, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो चिंतित नहीं हैं। और यही वजह है कि अभी भी न्यूक्लियर पावर को लेकर वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, अपनी शर्तें कर्ज को लेकर जो भीख मांग रहा है कटोरा लेकर पाकिस्तान, उसमें भी पाकिस्तान की अकड़ देखी जा रही है। इससे पहले भारत को भी लगातार वो अपने अलग अलग रंग दिखाता रहा है, और हालांकि भारत से मुँह तोड़ जवाब उनको बार बार मिलता रहा है, लेकिन पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। अगर इस स्थिति में भी पाकिस्तान नहीं सुधरता है तो ये पाकिस्तान समझ लीजिए कि कभी नहीं सुधर सकता, और यहाँ की आवाम को भी कुछ बड़ा संकल्प लेना पड़ेगा और अपने अच्छे बुरे की पहचान करनी पड़ेगी।